हाय गाइस, तो हम क्रिस्टल ऑफ डायमंड्स बता रहे हैं आपको। क्रिस्टल ऑफ डायमंड हम फिगर बना चुके हैं, जिसमें देखिए ये काला वाला जो है वो कॉर्नर पे है। काला वाला आइटम कॉर्नर पे है, कितने कॉर्नर पे है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर पे हो जाएंगे। तो काला वाला एटम 8 है, वो भी कॉर्नर पे। फेस एटम अगर हम काउंट करते हैं तो फेस एटम 6 है, दिख रहा है ये फेस एटम है। ये वाला आपका टेट्राहेड्रल है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में, मतलब 50% में होगा। टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो उसका 50% 4 हो जाएगा। अब अगर हम जेड इफेक्टिव निकालते हैं, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव के लिए कॉर्नर पे कार्बन आइटम जो है वो है 8, उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/8। फेस पे आइटम है 6, उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1/2। और टेट्राहेड्रल वॉइड में आइटम है 4, उनका कंट्रीब्यूशन 1। अब यहाँ से निकालेंगे तो जेड आ जाएगा हमारा 4 1+3+4, यानी 8 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाएंगे, नंबर ऑफ सी एटम्स एक यूनिट सेल में, FCC में, हो जाएंगे 8। अब चूंकि हम अगर बात करते हैं, तो चूंकि कार्बन एटम लाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड में और कॉर्नर पे, ठीक है, ये 8 हो गया। अगर कार्बन एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में लाई कर रहा है, ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा एटम हो गया कार्बन का। दूसरा एटम ले लेते हैं, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। टच करने का मतलब ये है कि इनके बीच का सेंटर का जो रेडियस होगा, सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो हम मान लेते हैं कि आर आर है, यहाँ का डिस्टेंस आर, यहाँ का डिस्टेंस आर, तो ये हो जाएगा 2 आर, दोनों के बीच का डिस्टेंस। और चूंकि ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड, टी भी है, और ये वाला जो हमारा पॉइंट आ रहा है ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच का डिस्टेंस √3a/4 होता है, ठीक है। तो 2 आर आ गया हमारा एक एटम्स में, यानी आर निकाल सकते हैं हम लोग। तो आर आ जाएगा हमारा √3a/8, ठीक है। एक एटम का जो होता है वॉल्यूम, ठीक है, वो आपको मालूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अगर रेडियस आर लेते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। अब अगर हमको पैकिंग इफिशेंसी चाहिए, तो पैकिंग इफिशेंसी के लिए होता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हो जाएगा a³। तो जेड है हमारा 8, 4/3। चलिए इसको अगले पेज में करते हैं। तो अगले पेज में हमारा करते हैं, तो पैकिंग इफिशेंसी हमारा हो जाएगा क्या, जेड यानी 8, 4/3 πr³, और ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं √3 के टर्म्स में था। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो √3a था, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका मतलब a इक्वल टू हो जाएगा 8r/√3, ठीक है। तो हम लोग यहीं से अब यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 8r/√3³। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी √3
पाई बाई 16 जो कि आ जाएगा 34 परसेंटाइल। ठीक है, या पहले आप जो इसको करिएगा तो ये पॉइंट में आएगा 0.34, जिसको परसेंटाइल में लिखेंगे तो 34 परसेंटाइल होगा। ठीक है, अब यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें अगर, तो चूंकि एटम जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में लाई कर रहा है, कार्बन एटम जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में लाई कर रहा है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे। तो अब इस वॉइड में लाई करने की वजह से ठीक है, इसका जो है ये वाला जो ब्लैक वाला है ये टेट्राहेड्रल वॉइड में लाई कर रहा है, तो इसी के वजह से ये टीवीएस है, टीवीएस में कार्बन है और कार्बन जो है वो 4 से सराउंडेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 4। जेड निकाल लिए, आर निकाल लिए, अब ऐसे जो है कोऑर्डिनेशन 4 है, मतलब चार ही एटम है टेट्राहेड्रल वॉइड में, और वो बनाएंगे चार चार बॉन्ड, मतलब टोटल 16 बॉन्ड, 16 बॉन्ड हो जाएंगे। तो अगला हम देख लेते हैं फाइनल, कि जेड निकाल दिए, 8 कोऑर्डिनेशन, 8 बॉन्ड लेंथ, √3a/4 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पर यूनिट, चूंकि एक टेट्राहेड्रल वॉइड से में एटम जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा और टोटल 4 एटम है, 4 एटम है, तो टोटल 16 बॉन्ड हो जाएगा। तो पर यूनिट सेल 16 बॉन्ड होंगे। नंबर ऑफ एटम अगर हम काउंट करेंगे, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड पर एटम, टोटल 16 बॉन्ड, एटम है 8, जेड 8 है, तो 2 बॉन्ड पर एटम हो रहा है, बाकी के बॉन्ड दूसरे यूनिट में शेयर होंगे। अब पैकिंग एफिशिएंसी 34%। थैंक यू।